हाय गाइस, सो जो बिल्स मॉनसून सेशन में पास हुए उनकी वीडियो के बारे में ये रही हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल के बारे में। सो देखेंगे ये बिल क्या होता है, क्यों है ये न्यूज़ में इतना, हमें इसे समझने में इतनी डिफ़िकल्टी क्यों आ रही थी, कि कुछ लॉज के साथ इसका थोड़ा कन्फ्लिक्ट लग रहा था हमें, जिससे हमें समझ नहीं आ रहा था। सो आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं इस बिल के बारे में। आपकी नॉलेज के लिए, ये लोकसभा में भी पास हो चुका है, राज्यसभा में भी मॉनसून सेशन में ही पास हो चुका है, यानी कि ये लॉ फाइनली अपनी अटेंटी अटेन कर चुका है, बस सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत है, जो आपको पता है कि अभी लॉ बस बनने ही वाला है। अब हम बात करें सबसे पहले कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये इतनी भारी टर्म, ये है क्या चीज़? सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि फ्यूजिटिव का मतलब ये होता है भगोड़ा, जो यहाँ से भाग गया हो। फिर हम उसके बाद बात करें इकोनॉमिक ऑफेंडर। सो ऑफेंडर का मतलब वो हुआ वो पर्सन जो किसने कोई लॉ तोड़ा हो, ऑफेंड किया हो, लॉ तोड़ा हो। सो अगर ये चीज़ हमें एक साथ सीधी समझ नहीं आ रही, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, सो जैसे ये जैसे लॉ पढ़ने का एक तरीका होता है कि अगर हमें चीज़ सीधी समझ नहीं आती तो हम उसे उल्टा पढ़ते हैं। आप देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंडर वो पर्सन जिसने किसी इकोनॉमिक लॉ को ऑफेंड किया, वो फ्यूजिटिव हो गया, वो भाग गया। सो वो पर्सन जिसने लॉ को तोड़ा और वो भाग गया, उस पर्सन को कहा जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, FEO, जिसे हम प्यार से कह सकते हैं। हम कहें कि वो पर्सन को हम FEO कब डिक्लेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तीन कंडीशंस मीट होनी चाहिए, सिर्फ तभी हम उसे एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर पाएंगे। सबसे पहले एक अरेस्ट वारंट उसके अगेंस्ट में इशू होना ही होना चाहिए। सेकेंडली, उसने कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस किया हो। ऐसा नहीं होगा उसने किसी की पॉकेट मारी और वो कहीं इंडिया छोड़ के चला गया, उसने 100 रुपये का उसने चोरी करी थी और उसको हमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, तो CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सब उसके पीछे लग गए। सब लॉ मेकर्स का, ऑफिशियल एजेंसीज का वैल्यूएबल टाइम है, हमें उनके लिए बहुत जो हाई लेवल क्रीम केसेस हैं, हमें सिर्फ वो ही इतने एंगेज करने चाहिए। सो इसीलिए जो वो ऑफेंसेस जो शेड्यूल्ड होंगे उस लॉ के अंदर एंड जिनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी, सिर्फ उसे ही हम एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करेंगे। मोर ओवर, तीसरी कंडीशन ये है, उसको कंट्री छोड़ के भागना होगा एंड वो रिफ्यूज कर चुका है टू रिटर्न टू फेस प्रोसिक्यूशन। देखिए इस लॉ की क्या रेलिवेंस थी, ये लॉ क्यों लाया गया। ऐसा होता है कि कहीं अगर इंडिया में कोई पर्सन है मिस्टर ए, जिसने यहाँ इंडिया से किसी बैंक से लोन लिया एंड बैंक से लोन लेके मान लीजिए उसने कोई एक फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड करके उसने अगर ये लोन लिया था मान लीजिए 1000 करोड़ का, उसको ये लोन पे बैक करना था, उसने ये लोन पे बैक करने से मना कर दिया और वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, मान लीजिए किसी टैक्स हेवन कंट्री में चला गया या मान लीजिए किसी भी एनी थर्ड कंट्री में चला गया जो आउटसाइड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया है। सो अगर कोई पर्सन आउट ऑफ द इंडियन ज्यूरिस्डिक्शन चला जाता है, सो पुलिस ऑफिशियल्स एंड लॉ अथॉरिटीज उसको जाके पकड़ नहीं सकती, बिकॉज इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। वो जिस कंट्री का है उस कंट्री से उसको बाहर निकालना पड़ता है, जिसका ऑफिशियल नेम होता है एक्स्ट्राडिशन। सो बट ऐसा इतना आसानी से नहीं हो पाता, लाइव केसेस आपके सामने हैं। अब आप ये बात देखिए कि ऐसे लोगों को हम पकड़ नहीं पाते एंड हमारे पास कितनी डिफिकल्टीज अराइज हो जाती हैं, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के डिफॉल्ट जब खड़े हो जाते हैं, पूरी एक इकोनॉमी शेक हो जाती है। लाइव केसेस आपके सामने हैं जब 12,000 करोड़ के बैंक स्कैम्स हुए हैं या बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। सो आपके सामने है, अगर पर्सन बाहर चला गया इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन से, अभी तक हमारा कोई ऐसा लॉ नहीं कहता था कि हम उसको इंडिया में बिना बुलाए हम उसकी प्रॉपर्टीज नीलाम कर दें, बैंक का लोन रिकवर करना शुरू कर दें। अभी तक ऐसा हमारे लॉज में नहीं लिखा था, इसीलिए हेयर वॉज द नीड टू हैव अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, जिससे अगर वो पर्सन भाग भी जाता है हम तब भी उसकी प्रॉपर्टीज उससे पूछे बिना यहाँ नीलाम कर सकते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज पे हम कैप्चर कर सकते हैं, ताकि उस पर दबदबा बनाया जा सके कि आप इंडिया में वापस आइए, अपने जो भी लीगल केसेस हैं उन्हें पूरा कीजिए। सो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड था, हमें FEO, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल की क्या जरूरत थी।
अब आइए थोड़ा सा इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये बिल क्या कहता है। अब आपको बेसिक आइडिया मिल गया है ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता क्या है, क्यों इसे लाया गया, एंड अब हम बात करेंगे इस वाले बिल के बारे में कि इसमें क्या की फीचर्स हैं इस वाले बिल के। सबसे पहले ये होगा कि अगर कोई पर्सन था जो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए जो इंडिया से बाहर चला गया था, अब मेरे को इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करना है। सो इसे डिक्लेयर कौन करेगा? सो एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी टू अ स्पेशल कोर्ट। अंडर कौन से वाले स्पेशल कोर्ट्स? जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जैसे मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, इस वाले एक्ट में कुछ हमने कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर दिया है एज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ स्पेशल एंड स्पेसिफिक मैटर्स की ही डील करते हैं एंड नॉट ऑल दी मैटर्स। सो इनमें एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है स्पेशल कोर्ट्स का, एक तो स्पीडी ट्रायल हो सके, एक एग्जिस्टिंग कोर्ट्स का बर्डन कम हो सके। फिर स्पेशल कोर्ट एक नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को, जिसमें लिखा होगा आप नोटिस इशू होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर आप इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में वापिस आए। अगर वो पर्सन आ जाता है सो उसकी प्रोसीडिंग्स वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाएगी। अगर वो पर्सन नहीं आता है सो उस पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर तो उसको ऑफिशियली कर दिया जाएगा। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा, इसका मतलब सरकारी हक बन जाएगा उसके ऊपर एंड सरकार कन्फिस्केट कर सकती है उसकी प्रॉपर्टीज को लीगली। वो ये नहीं कह सकता कि उसकी परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया हो, गवर्नमेंट कैन कन्फिस्केट हिज प्रॉपर्टीज। मोर ओवर एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि वो पर्सन जो यहाँ से भाग गया या फिर उसकी एसोसिएटेड कोई कंपनी या कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो इंडिया में कोई भी सिविल क्लेम डिफेंड नहीं कर सकती। ये बहुत बहुत बड़ा प्रोविजन है। इसका एसेंस मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, मान लीजिए मिस्टर ए भाग गया 15,000 करोड़ का स्कैम करके। यहाँ पे लीगल इंडियन कोर्ट्स में जो बैंक था उसने उसके अगेंस्ट में सिविल क्लेम फाइल कर दिया कि इसने ये भाग गया मेरा फ्रॉड करके। मान लीजिए कोई सिविल मैटर था, मैं अभी क्रिमिनल मैटर के ऊपर नहीं आ रहा, कि उसने कोई ऐसा सिविल मैटर की एप्लीकेशन लगाई। ये पर्सन हुआ या इसकी कोई कंपनी हुई जिसमें मान लीजिए डायरेक्टर या शेयरहोल्डर था, या इसकी कोई पार्टनरशिप थी जिसमें ये डायरेक्टर शेयरहोल्डर था, वो आके सिविल क्लेम को डिफेंड नहीं कर सकता। अगर उस पर्सन ने कह दिया कि ये इसने फ्रॉड किया है तो जी हाँ इसने फ्रॉड किया है, इसके पास राइट ऑफ डिफेंस खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा प्रोविजन है ये। हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो ये चीज है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कन्विक्शन बेस्ड एसेट कन्फिस्केशन। ये जो रहेगा करप्शन रिलेटेड केसेस का, जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया कि वो पर्सन जो भाग गया अभी तक उसको हमने गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया है बाय एनी ऑफिशियल कोर्ट। जैसे लॉ में एक प्रोविजन आता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहाँ पे अगर वो पर्सन भाग गया है वापस नहीं आ रहा है, हम उसको डिक्लेयर करके एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर उसके एसेट्स कन्फिस्केट कर सकते हैं। और ये चीज निकल के आई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जो इंडिया ने रेटिफाई किया था 2011 में। आप ये वाले पॉइंट्स को बहुत ध्यान से वीडियो रिमाइंड करके सुनिएगा, बिकॉज आप कहीं भी न्यूज में इसकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी पढ़ेंगे तो जो भी उसका एसेंस होगा वो इन्हीं प्रोविजन के आगे पीछे घूम रहा होगा। फिर इसमें एक और चीज बात है जो आजकल न्यूज आर्टिकल्स में काफी आ रही है, वो ये है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सबसे पहले क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि जो मेरे देनदार हैं, जिन्हें मैंने पैसा देना है, तो जो सिक्योर्ड है, जिनका मतलब जिनके पास मेरी कोई सिक्योरिटी, मेरा कोई एसेट गिरवी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बैंक से ऑफिशियली अपना क्लेम ले सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने किसी से लोन लिया, मान लीजिए बैंक लोन की ही मैं बात कर रहा था, 10,000 करोड़ का। तो जब बैंक 10,000 करोड़ का लोन देता है तो बैंक ऐसे नहीं देता, बैंक कहता है कि जो आपका कोई विला है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आप मेरे नाम गिरवी कर दीजिए, यानी
जब तक आप मेरा लोन पेबैक नहीं करेंगे आप इसे बेच नहीं सकते, और अगर आपने मेरा लोन पेबैक करने में डिफॉल्ट कर दिया तो मैं इसे बेच दूंगा। वैसे ही और एक कोई लोग होते हैं, मान लीजिए कोई थे मिस्टर बी, इन्होंने इनको दिए थे 1 लाख रुपीज़। इन्होंने कहा था कि आप मेरे को इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दीजिए और कोई गारंटी की कोई बात नहीं, मेरी फेस वैल्यू इतनी है। सो अब जब क्या हुआ, ये पर्सन तो भाग गए इंडिया से बाहर, अब हमारी लॉ मेकर्स की जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई। सो अब इस केस में जो बैंक था इसने एप्लीकेशन लगाई और इस पर्सन को डिक्लेयर कर दिया एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सो बैंक के पास लीगल राइट्स अब ये आ गए हैं कि बैंक इसकी प्रॉपर्टी को लीगली कॉन्फिस्केट करके बेच सकता है। देखिए ये वाले जो लॉ था ये सार्फा इसी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वहां भी होते थे, लेकिन वहां बहुत डिले होता था, सालों लग जाते थे कुछ चीज प्रूफ करने के लिए। तो अब ये पर्सन इसको एज एन एफईओ डिक्लेयर करके इसका प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है और जो अलग बैंक्स थे उनके साथ ये शेयर कर लेगा ये चीज। लेकिन जो मिस्टर ए थे जिन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इनका क्या होगा? सो इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ी सी चर्चा इस लॉ के ऊपर अभी होनी है। फिर मोर ओवर बात क्या हुई है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, देयर इज नो नीड फॉर अ सर्च वारंट। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, वो ये बात कहता है कि हम किसी के भी प्रॉपर्टी या किसी के भी घर में नहीं घुस सकते विदाउट अ सर्च वारंट। लेकिन अगर ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है 100 करोड़ के ऊपर वाला, उसके घर की तलाशी भी ली जा सकती है विदाउट एनी सर्च वारंट। अब ये चीज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये चीजें ठीक है या ये चीजें ठीक नहीं है। एक तरफ हम बात करें वो पर्सन 100 करोड़ का वो चीज फ्रॉड करके भागा है, या मान लीजिए जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है। फ्रॉड तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप ज्यादा न्यूज से कनेक्ट हो सकें। बेसिकली शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जो उस एक्ट के अंदर पीछे शेड्यूल में लिखे गए हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस। सो आप मुझे बताइए अगर वो पर्सन 100 करोड़ के ऊपर का कोई ऑफेंस करके भागा है, सो ये चीजें होना कि उसको कन्विक्ट हुए बिना उसकी एसेट्स कन्फिस्केट कर लेना, या फिर बिना सर्च वारंट की उसकी प्रॉपर्टीज में घुस जाना या प्रोविजनली अटैच कर लेना, क्या ये सब ठीक है? या फिर एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि हर पर्सन का एक नेचुरल जस्टिस राइट, द राइट टू बी हर्ड, क्या वो चीज होनी चाहिए? इस बात का एनालिसिस जरा आप मुझे ट्राई कीजिएगा बताने का। फिर हम बात करें जो बिल आया ये एक ऑर्डिनेंस की रिप्लेसमेंट आया। हमने कुछ और चर्चाएं करी थी जैसे एक FRDI बिल के बारे में भी, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। एक हमने बात करी थी NCBC बिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बिल, जो सब अभी मॉनसून सेशन में ही पास हुए हैं। एक हमने बात करी थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, ये भी अभी मॉनसून सेशन में ही पास हुआ है। यहाँ पे हमने ये बात चर्चा करी थी कि ये जैसे IBC ये एक ऑर्डिनेंस की रिप्लेसमेंट था। ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए जो आर्टिकल 123 है हमारे भारत के संविधान का, इसमें ये बात लिखी हुई है कि जब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, व्हेनेवर द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, द प्रेसिडेंट मे प्रोमल्गेट एन ऑर्डिनेंस फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। मतलब देखिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में ब्रीफली समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल तो मैंने इस वीडियो में किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक भी मुझे बताइएगा। कि देखिए जो लॉ बनता है इंडिया में वो बनता है बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 3 बार सेशन में आती है 1 साल के अंदर, विच इज बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। मान लीजिए कोई ऐसा पीरियड चल रहा है जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है, या कोई हंग पार्लियामेंट है कि कोई असेंबली डिसॉल्व हो गई है। सो इन केसेस में अगर कोई लॉ बनाना है, नेशनल इमरजेंसी का, नेशनल इंपॉर्टेंस का लॉ है, तो वो लॉ कैसे बनेगा? सो इस केस में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पावर दी गई है कि वो एक ऑर्डिनेंस जो प्रोमल्गेट कर दें जो एक टेम्पररी लॉ होगा। वो बिल्कुल एक लॉ होगा, सब पे माननीय होगा, बट टेम्पररी पीरियड के लिए होगा, फाइनैलिटी अटेन नहीं कर पाएगा। सो आर्टिकल 123 ये कहता है कि फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट उसको 6 वीक्स में पास होना होगा बाय बोथ द हाउसेस लॉ बनने के लिए, अदरवाइज वो स्क्रैप कर दिया जाएगा। सो जो FEO बिल था हमारा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, ये 2017 में भी इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। सर 2017 में, अभी तो हम बात करें 2018 की, ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था बट कुड नॉट बी पास इन दैट लोकसभा बिकॉज ऑफ सम डिसरप्शंस और बिकॉज ऑफ अदर रीजंस।
कि लोकसभा ज्यादा ज्यादा कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाई, जब हमारा ये बिल उस टाइम पे पास नहीं हो पाया। बट आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूज में केसेस बढ़ते गए ऑफ सच काइंड ऑफ पर्सन, सो एक ऑर्डिनेंस इमीजिएटली पास कराया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ऐसे इकोनॉमी को कोई भी पर्सन शेक नहीं कर सकता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन लॉ स्ट्रक्चर। अगर पार्लियामेंट स्ट्रक्चर में भी नहीं है, नेशनल इमरजेंसी का रूल है, प्रेसिडेंट कैन इनिशिएट कैन प्रोमल्गेट एन ऑर्डिनेंस जिससे रिकवरी प्रोसेसेस बट स्पीडन अप हो जाएं, विच आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ आर इंडियन स्ट्रक्चर्स ऑफ आर इंडियन लॉज। ये हो गया था प्रोमल्गेट एंड अब इसको हमें पास कराना जरूरी था। सो 2018 का बिल आया, इसने ये ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया। ये रही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल रिपोर्ट कि कैबिनेट अप्रूव्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल। ये आपकी नॉलेज के लिए, पहले कैबिनेट अप्रूव करता है फिर जाके ये पार्लियामेंट में रखा जाता है। ये रहे फेमस ट्वीट्स धर्मेंद्र प्रधान जी, जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने ये बताया कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू सीज एंड सेल एसेट्स ओन्ड बाय एन इकोनॉमिक ऑफेंडर इवेडिंग द लॉज ऑफ द लैंड। The new bill will also ensure the confiscation does not face any civil claims of the stakeholders. I hope अब आपने ये वीडियो देख ली तो अब आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ आ रही होगी। इसका मतलब भी ये है कि confiscation does not face any civil claims। इसका मतलब ये है कि अगर कोई केस हुआ था, मैं बस बैंक फ्रॉड्स का सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो से। बैंक ने कॉन्फिस्केट करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में, ये पर्सन आके कह दे कि नहीं नहीं ये तो सिविल क्लेम है, अभी नहीं होगा, जब तक कोर्ट से अप्रूव नहीं होगा ये कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। सो ये दावा इनका नहीं चलेगा, ये अपना डिफेंड करने का एंड सिविल क्लेम्स फाइल करने का हक खो चुके होंगे। ना केवल जो पर्सन भाग गए हैं, उनके साथ में जो उनकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं या उनकी पार्टनरशिप्स हैं वो भी ये हक खो देंगे। ये रहा फेमस ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जहाँ श्री अरुण जेटली जी अब वापस उन्होंने ऑफिस रिज्यूम कर लिया है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त 2018 में। और अब मैं बात करूंगा पीयूष गोयल जी के ट्वीट की, जो बहुत ही एक फेमस ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि सीक्स टू ले डाउन द मेजर्स टू एम्पावर इंडियन अथॉरिटीज टू अटैच एंड कन्फिस्केट प्रोसीड्स एसोसिएटेड विद क्राइम शेड्यूल्ड इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सच फ्यूजिटिव्स हू रन अवे फ्रॉम द कंट्री। क्विक रिवीजन जो सारी वीडियोस में मैं देता हूँ, हमने बात करी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, इतना भारी शब्द का आखिर आफ्टरऑल मतलब है क्या। वो लोग जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का घपला किया, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या, दैट इज द वर्ड आपको भूलना नहीं है। फिर वो देश छोड़ के भाग गए, फिर उनके लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट उनको एक नोटिस इशू करेगा कि 6 हफ्तों के अंदर आप वापिस आओ, अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो प्रोविजनली अटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, आपको कोई सिविल क्लेम करने का या डिफेंड करने का राइट नहीं मिलेगा, आप राइट्स खो दोगे। फिर कुछ हमने इसकी इंपॉर्टेंट बात करी, फिर हमने देखा कि ये कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेसमेंट करके आया था। हमने ऑर्डिनेंस के बारे में बातें करी थी आर्टिकल 123 की 6 वीक्स की। फिर हमने देखे थे कुछ फेमस ट्वीट्स। आई होप आपको बिल्कुल अब डिटेल में समझ आ गया हो कि ये लॉ है क्या चीज, एंड अब आपके दिल में कोई भी क्वेरी हो तो वो सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल, इट हैज इमेंस बेनिफिट्स एंड एन इमेंस सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।